आज वो कह रहे हैं कि बाबा बलात्कार करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम समझे या तो तब के दिग्विजय सिंह सच्चे थे, आज के दिग्विजय सिंह सच्चे हैं, या फिर वो दिग्विजय सिंह जो टंचमाल कह देते हैं अपनी नेता को खड़े होकर मंच पर। देखिए जी पता नहीं दिग्विजय सिंह सच्चे हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चिन्मयानंद जी बिल्कुल सच्चे हैं। आपने डिस्टेंस ले लिया, चिन्मयानंद जी बिल्कुल सच्चे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो आरोपी चिन्मयानंद को किसने डिफेंड किया यहाँ बताइए, चिन्मयानंद को किसने डिफेंड किया यहाँ, चिन्मयानंद है कौन, किसने डिफेंड किया, कौन से किसने डिफेंड किया, एक नाम बताइए, इन्होंने किया। देखिए किसने डिफेंड किया यहाँ, किसी भी बात को इतनी बड़ी चढ़ा के दिखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल अरे जनाब सुनिए, धीरज रखिए। देखिए मुझे स्वामी जी ने जो बोला मुझे भी बहुत दुख पहुंचा है। विनोद जी जब हमारे देश में ये सब चीजें हरकतें होती हैं, बोले फिर आप ही बोले कुछ भी, लेकिन कम से कम ये मत बोलिए। देखिए जनाब बोले स्वामी जी ने जो बोला मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, इस तरह की बातें भाई, इतने बड़े नेता जाके जो आशीर्वाद दिए जाते हैं। संत रामदास लगा लीजिए, संत रामदास लगा लीजिए, राम रहीम लगा लीजिए, 50 नाम ऐसे आ जाएंगे संतों के जो इस तरह के जगन जितने 50 बेहद जो आरोपों से गए हैं। अरे देखिए मतलब ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम ना करें, इसको हिंदू मुस्लिम ना करें तो अच्छा रहेगा। ये सुनिए सनातन धर्म ने स्पष्ट लिखा है, सारे एक साथ नहीं बोलेंगे। विक्रमादित्य जी एक सेकंड, अगर विक्रमादित्य जी एक सेकंड ना, विक्रमादित्य जी आचार्य विक्रमादित्य आप कटुआ की भी बात करेंगे, विक्रमादित्य जी एक एक करके बोलिए, आपने बोला सबने सुना, बीच में मत बोलिए, उसके बाद बोलिए, आपकी बात सुनाई तो दे कम से कम, समझ में तो आए कि आप क्या तथ्य रखना चाहते हैं। देखिए आपने कहा कि 50 बाबाओं के नाम ऐसे हैं, क्या मैं ये समझ लूं कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि रेप की, बलात्कार की, छेड़छाड़ की या किसी भी जघन्य अपराध की अब से वो रिलीजियस प्रोफाइलिंग ही करेंगे? यही मैं यानी कि अगर चर्च में होगा तो भी हम कहेंगे कि पादरी रेपिस्ट है, ये ना अगर हो, ये जो आप मदरसे में आकर्षित होगा तो आप लोग बोलेंगे क्या बोला, मौलाना पादरी रेपिस्ट है, मैंने आपको बोलेंगे हिम्मत होगी आपकी, अरे हिम्मत आप होगी आपकी, धर्म ना लेके हिम्मत होगी आपकी, जो बातें हुई है जब इसमें धर्म आ जाता है सबसे बड़ा अफसोस की बात तो यहाँ आ जाती है। तो भाई साहब दिग्विजय सिंह को बोलिए ना, उनको तो आप डिफेंड करने बैठे हैं, यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहे, डिफेंड करने बैठ के उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ये अच्छा डिफेंस है सर, ये डिफेंस सपना है, आप डिफेंड भी नहीं कर रहे, सपना है, आप डिफेंड भी नहीं कर रहे लेकिन डिफेंड ही कर रहे हैं, हकीकत है, बहुत बढ़िया सर, सबके सामने है सर, आप डिफेंड भी नहीं कर रहे लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो उस पीड़िता के साथ 6-6 घंटे जब SIT जब पूछताछ करती है ना तो ऐसा लगता है कि वो ही एक आरोपी बन गया है। आप सुन लीजिए भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात है, मेरी बात सबको संवेदनशील हो जाना चाहिए, एक मेरी बात सुन लीजिए, ये बात धर्म का संकल्प भी बताना चाहिए था ना, कि धर्म का मामला जो संवेदनशील हो जाना चाहिए या खुद याद रखना चाहिए था कि धर्म के मामले पे जा रहा हूं तो मैं जाके पहले बोल दूं कि सर मैं दिग्विजय सिंह को डिफेंड करने नहीं आया हूं और डिफेंड भी करता रहूंगा। अरे आप छोड़िए, डिफेंड की बात बोलिए यहां पर सर, आप कर रहे हैं दिख रहा है, आप कर रहे हैं दिख रहा है, आप कर रहे हैं कम से कम लाइए, तहसीन की तरह हिम्मत तो रखिए कहने की कि हां कर रहा हूं, आपको 50 चीजें बता दूं, भी करना चाहते हैं और फिर बोलने में डरते भी, सरकार के बारे में बता, यही हमने कहा भगवा भगवा करते हो, भगवा से क्यों डरते हो, आप छोड़ दीजिए, विनोद बंसल भगवा क्या होता है, भगवा का रंग पता है आपको क्या होता है, आपसे नहीं सीखना पड़ेगा, आपसे तो कम से कम नहीं सीखना पड़ेगा, भगवा रंग जो आप, ऐसी नौबत नहीं आई कि आपसे सीखना पड़े, अभी बोलिए विनोद बंसल अपनी बात रखिए। देखिए ये कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे को दर्शाता है, आप ये मत समझिए कि कोई आइसोलेटेड स्टोरी है, ये दिग्विजय सिंह ने कोई पर्सनल बयान दिया ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस की सुनियोजित षड्यंत्र है, पहले दिग्विजय सिंह जो बुलवाते हैं फिर उसको बैकआउट कर देते हैं फिर उसके बाद में डिफेंड कर देते हैं फिर कह देते हैं नहीं हम सपोर्ट भी कर रहे हैं हम नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं, भगवा को गाली देना, भगवा को आतंकवादी बोलना और अब भगवा को रेपिस्ट बताना, इस देश की संस्कृति के साथ बहुत बड़ा जघन्य अपराध है ये, कांग्रेस जो है ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, मैं कह रहा हूं। आप देखिए इस मामले में अगर सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगी, अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो आप समझ लीजिए देश के अंदर बवाल मचेगा और हम इतनी FIR कराएंगे, देखिए कि आप गिनते रह जाना, विश्वेंद्र प्रसाद ने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो हमारे पूज्य संतों के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ, हमारे देश के तिरंगे के सर्वोच्च अपने रंग के साथ में इस तरह का व्यभिचारी बात करता है। ओके।